शिवम सिंह नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण न्यूज। आखिर किस मुसीबत से लोगों को गुजर के जाना पड़ता अपने घर, किस मुसीबत किस जाम से गुजर कर जाना पड़ता है ऑफिस। मामला ऐसा ही कुछ है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन आदेश अनुसार सही नदी का पुल की रिपेयरिंग मरम्मत की जा रही है, जो कि शासन आदेश 5 नवंबर तक रोड डाइवर्ट किया गया। और वहीं पर बात करें तो रोड डाइवर्ट जो इधर गोरा बाजार से बेहटा का पुल होके सीधा प्रयागराज या प्रतापगढ़ जाते हैं, वहीं बात करते हैं कि बेहटे के पुल पे किस तरीके से जाम लगा रहता है ऑफिस टाइमिंग सुबह हो या शाम हो, किस मुसीबत से लोगों को गुजर कर जाना पड़ता है अपने घर, तो आखिर क्यों। और वहीं पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहती है, कोई रूल्स जो पाया जिधर से पाया गया, और इसी को देखते हुए जाम लग जाता है और घंटों लोग खड़े रहते हैं। यकीनन कि ऑफिस के भी लेट हो जाए और घर के लिए भी निकले तो भी लोड। तो आखिर किस मुसीबत से लोग संघर्ष करके अपने घर और ऑफिस पहुंचते हैं। आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जाम लगा है, चमक चमचमाती धूप है, धूप में किस तरीके से लोग जाम में फंसे हुए हैं, चक्का जाम है। और ये कहीं और की नहीं रायबरेली के बेहटा के पुल की बात करते हैं। ये बेहटा के पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड जाम है और मुसीबत से लोग गुजर कर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं। आखिर ये जो सही नदी के पुल की रिपेयरिंग की जा रही है, रिपेयरिंग के बावजूद इसके अलावा पुल का चौड़ीकरण भी करना चाहिए, क्योंकि आए दिन जाम लगता है, समस्याएं होती हैं, घटनाएं घट सकती हैं, लोग घंटे खड़े रहते हैं जाम में। समझ में नहीं आता कि आखिर प्रशासन को लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो क्यों नहीं दिखाई देती है।